नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। दोस्तों, आज मैं आपको बायो एंजाइम बनाना बताऊंगी और इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वैसे तो ये इसको बनने का टाइम जो है पूरी तरीके से ये बनता है 3 महीने में, लेकिन अगर हम उसको 3 महीने के पहले यूज़ करना चाहें तो हम उसे कैसे यूज़ करें मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो दोस्तों, ये है जैसे कि बायो एंजाइम है, ये हम अपने जो भी किचन वेस्ट हमारे वेजिटेबल के और फ्रूट के पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, ये उनसे हम बहुत ही आसानी से बेकार वाली जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, हम उनमें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, वो हम अपने गार्डन में तो करते ही हैं, इसको हम अपने गार्डन के मिट्टी में, सॉइल में भी डालते हैं, और उसके साथ ही हम इस अपने जो ये प्लांट्स पे स्प्रे भी कर सकते हैं, तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत तरीके से और भी यूज़ होता है फ्लोर क्लीन करने के लिए, और इसके और भी अनेकों उपयोग हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ अपने गार्डन में कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो मेरा बायो एंजाइम है ये बना हुआ है, लेकिन ये बहुत पुराना है, मेरा बहुत पुराना है, करीब हो गया होगा ये, इसमें मैंने डेट तो नहीं लिखी, और ये करीब होगा 5 6 6 मंथ का तो ये हो ही गया होगा। और ये मतलब पुराना होने की वजह से ना, इसमें जो मैंने नींबू और वो डाला था, इसके छिलके के सब इसमें घुल गए हैं। तो ये लेकिन इसमें इतनी अच्छी खुशबू है, एकदम खट्टे मीठे अचार की तरीके से है, गुड़ की होने की वजह से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने 2 लीटर की बॉटल ली है, बॉटल एकदम एयर टाइट होनी चाहिए। उसमें मैंने 1 लीटर पानी, नॉर्मल वाटर वो ले लिया है। इसके साथ दोस्तों, आपके पास जो भी छिलके हों सब्जियों के, कोई से भी, जो भी सीजनल हो, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे अब इधर गर्मी है तो मेरे पास ये करेले के हैं, कुकुम्बर, ये खीरा हो गया, ये नींबू तो हर पूरे साल ही रहता है, तो ये जो भी आपके पास हो, बस दोस्तों इसमें प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके और अंडे के शेल्स ये नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको रेशियो बता दूं, और मैंने गुड़ लिया है, इसका रेशियो ऐसे रहता है कि 1 3 और 10, 1 पार्ट आपका होगा गुड़, ठीक है, 1 पार्ट गुड़, 3 पार्ट होगा आपका ये वेजिटेबल पील्स, और 10 पार्ट जो होगा वो आपका होगा ये पानी, ठीक है, वाटर। तो मैंने 1 लीटर पानी हो गया आपका 300 ग्राम के करीब, 300 ग्राम का हो गया आपका वेजिटेबल पील्स या जो भी ले लीजिए, और गुड़। देखिए, मैंने एक मोटा मोटा हिसाब बता दिया। अब दोस्तों, घर में हम बनाते हैं तो इतना नाप तोल के नहीं बना सकते हैं, पर एक अंदाज़ा होता है कि हाँ इतनी इतना कम या इतनी ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, तो ये है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही मतलब मिक्सर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है, और खूब अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको खूब अच्छी तरीके से टाइट करके, और पहली बार, फर्स्ट टाइम में ही इसको खूब अच्छी तरीके से ऐसे शेक कर, ऐसे हिला लीजिए, और ऐसे, अब आप देखिए इधर से कहीं से भी पानी नहीं गिर रहा है, ये देखिए ना, ये कहीं से पानी नहीं गिर रहा है, इसको एकदम एयर टाइट होना चाहिए, इसमें कहीं से हवा नहीं जानी चाहिए। अब हमें बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये करना है कि शुरू के जैसे कि 10 दिन में, 1 हफ्ते तक तो इसको करीब रोज आपको डेली हल्का सा क्या करना है, जो ऊपर का कैप है ना, ढक्कन है वो, उसको हल्का सा बस ढीला करिए, और ढीला करके उसका जो गैस है ना वो निकाल दीजिए, बस इतना काम आपको करना है, और धीरे धीरे इसका क्वांटिटी कम कर दीजिए। 1 महीना हो जाए तो थोड़ा कम, क्योंकि इसको बनने में पूरा पूरा 3 महीने कंप्लीट लग जाते हैं, 3 महीने में कंप्लीट तैयार होगा, लेकिन आपको इसकी गैस जो है ना वो निकालनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी सी, इसीलिए ये इतनी जगह हम लोगों ने छोड़ के रखी है।
अच्छा, अब इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो भी पूरे तरीके से बता दूंगी जो मेरा कंप्लीट वाला बना हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 15 दिन में अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप ऐसे कैसे करें, या फिर आप 1 महीने में करना चाहें तो अगर अगर आप 15 दिन में करना चाह रहे हैं तो फिर इसका इस तरीके से रखिएगा कि इसका छान लीजिएगा। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो इसको छान लीजिएगा, नहीं तो इसके रेशे आपके नोज़ल में उसमें फंसेंगे। और अगर वैसे ही करना है आपको, मिट्टी में ही डालना है तो फिर वैसे ही डाल दीजिएगा। तो इसका ये रेशियो रहेगा कि अगर 12 दिन में 15 दिन में करना है तो आपको 1 लीटर में जैसे कि 15 से 20 ml का हिसाब आपका रहेगा, एक एक लीटर में, 1 लीटर में, ठीक है। और अगर आपने 1 महीने में करना है, 1 महीने बाद किया आपने, तो उसी को थोड़ा और कम कर दीजिए। उसका परसेंटेज जो है वो 8 हो करीब 10 ml का कर दीजिए। मतलब ये जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव असरदार हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा ये इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत अच्छा फर्मेंटेशन जो ठीक से वो पूरा होगा, वो फर्मेंटेशन जो इसकी प्रक्रिया होगी फर्मेंट होगी वो जाके 3 महीने में कंप्लीट होगी। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना, अचार भी एक टाइम पे जाके वो होता है कि हाँ। तो इस तरीके से अब दोस्तों इसको यूज़ कब करना है मैं आपको बताऊँ। इस देखिए इस समय 6:30 हो रहा है, आज डेट है दोस्तों कितनी है, 29 जून है, ठीक है। मैं आपको चम्मच से बता देती हूँ थोड़ा सा, या मेरे पास एक वो दवाई का है, मैंने 10 लीटर का ये बकेट में पानी 10 लीटर भर लिया है। तो ये जैसे कि 10 लीटर के पानी में आपको इसका ऐसे रखना है कि ये मेरा 20 ml के करीब मैंने लिया है। ये देखिए ये पूरा पूरा 10 लीटर, 10 लीटर थोड़ा सा कम पानी, वो देखिए बहुत ज़्यादा नाप तौल के इसमें नहीं हो सकता, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी एक हिसाब रहता है कि बहुत पुराना है ना दोस्तों, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसका उपयोग तो हम अपने बहुत ही आराम से वो पोछा वोछा लगाने में ये सब में बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो इसकी खुशबू एकदम नींबू की और इसकी गुड़ की है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो इसको बस इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। और इसको ये देखिए, इसको जैसे अब जैसे हमें स्प्रे भी करना है ना तो हमें छानना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बाकी चीज़ों तो इसके छिलके विलके तो सब मेरे इसमें घुल गए हैं, बहुत पुराना है ये। लेकिन अगर मैं नहीं छान के स्प्रे करूँगी ना तो इसमें जो नींबू के जो पल्प हैं वो फिर इसके हमारे इसके नोज़ल में फंसेंगे, तो इसलिए छान छान लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसका ये है कि बना के रखना कहाँ पे है, इसको बना के आप जैसे बनाया ना हमने, तो इसको सनलाइट में नहीं रखिएगा, सनलाइट में नहीं रख करके वैसे जैसे कि शेड में ही रख दीजिएगा। अच्छा चलिए, अब आपको मैं ये बता दूँ ओनियन और उसका, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत करती हूँ, पर इसमें कोई गुड़ उड़ नहीं डालती हूँ। इसका मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया, बड़ा ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। आप इसको तो बस रात में भिगाइए, मैं एक ही वीडियो में दो चीज़ें आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने पहले बताया हुआ था। तो ये जैसे कि प्याज के छिलके होते हैं ना, बस आप उसको रात भर पानी में भिगा दीजिए, उस पानी को छान लीजिए, ऐसे छान लीजिए। और इस ये वाला जो पानी है ना, इसमें इसमें पानी, नॉर्मल पानी जो भी मिक्स करना हो मिक्स कर लीजिए दोस्तों, बस कुछ नहीं है, सब प्लांट्स को आप दे दीजिए, बहुत खुश रहते हैं ये प्लांट्स। मैं हमेशा यही सब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं कभी कोई केमिकल यूज़ करती नहीं हूँ बिल्कुल। इस सब पानी को ना आप, अच्छा दोस्तों इसको मैं आपको बताऊं गर्मी में कब यूज़ करना है। जैसे कि समर में आपको यूज़ करना है तो आप सुबह सुबह 8 बजे के पहले पहले कर लीजिए, ठीक है। और शाम में, गर्मियों की बता रही हूँ मैं, और गर्मी में जो है वो जाके अपना 6 बजे के बाद करिए। और अब जैसे पानी एक बार डाल दिया आप, ये खुद भी ही पानी है, थोड़ा थोड़ा सा डालना है तो थोड़ा सा मिट्टी भी नमी नम हो जाती है। तो अच्छा, और अगर सर्दियों में करना है आपको तो सर्दी में फिर वही करिए, 9 बजे के पहले पहले कर लीजिए, और उसी उसी तरीके से जो है शाम को भी 4-5 बजे के बाद करिए। तो इस तरीके से सब प्लांट्स आपके बहुत अच्छे हेल्दी रहेंगे, और हमारे जितने भी किचन के ये सब सब्जियां हैं, छिलके हैं, ये सब अपना यूज़ रहेंगे। तो बस यही बस दो तीन चीज़ें इसमें नहीं यूज़ करनी है आपको, अंडे के छिलके और प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके, तो बस ये सब अपना डालती रहिए। ये देखिए ये सब, ये देख रहे हैं ना, ये सब कभी मैंने कभी कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया। देखिए इंग्लिश रोज़ है दोस्तों, मैं कभी ये सब कोई चीज़ इस तरीके की नहीं यूज़ करती हूँ मैं हमेशा। आप मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो मैं आपको बता रही हूँ,
कि मैं कोई भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाँ दोस्तों इंसेक्टिसाइड भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, थैंक यू।